श्री राम कथा समिति द्वारा हुडको दशहरा मैदान में 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के आयोजन में श्री राम ज्ञानी दास जी महाराज अपने श्रीमुख से श्री राम कथा का वाचन करेंगे। कथा के प्रथम दिवस पर भव्य शोभा यात्रा हुडको HIG से निकाली गई। राम भक्तों ने नाचते गाते हुए कलश यात्रा में अपनी भागीदारी निभाई। आमदी नगर हुडको दशहरा मैदान गणेश मंडप में श्री राम कथा का भव्य आयोजन 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। इस 7 दिवसीय आयोजन में श्री राम ज्ञानी दास जी महात्यागी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराएंगे। श्री राम कथा के पहले 3 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा महिलाओं ने HIG से निकाली। HIG हुडको से प्रारंभ इस शोभा यात्रा ने लंबा सफर तय करते हुए दशहरा मैदान गणेश मंडप पहुंची। इस दौरान चौक चौराहों में भव्य आतिशबाजी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। महिलाएं यहां पर सिर पर कलश रखे भक्ति भाव से झूमती नजर आई। कलश यात्रा को लेकर महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी, साथ ही इसका उद्देश्य भी बताया। राम कथा का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से तैयारी जोरों शोरों से हो गई है और हमारे हुडको की सभी बहनें एक ही कलर की साड़ी पहन करके कलश यात्रा के लिए एकदम तैयार हैं और सभी भगवान राम से यही कामना करते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत ही आगे बढ़े और विकसित देश बन जाए और हमारे हमारे भी देश में राम राज्य स्थापित हो जाए। जय 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 श्री राम। वहीं इस भव्य श्री राम कथा के आयोजक ने भी अपना उद्देश्य बताया। ये हमारा हुडको में 9 लोगों की समिति बना के हमने राम कथा समिति का आयोजन किया है। 9 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब मिलकर इस राम कथा को चारू से इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि आदमी को धर्म के प्रति समर्पित होना, जागरूक करना। हाँ, जागरूक करना। आज पहले दिन में कलश यात्रा में कहाँ से कहाँ तक की निकली कलश यात्रा? कलश यात्रा हमारा ये HIG से HIG 100 नंबर से पूरा रास मंडप तक निकाली गई है। इसका समापन कब है कथा का? कथा का समापन 10 तारीख को है। क्या क्या आयोजन इस दौरान किए जाएंगे? क्या क्या आयोजन होंगे कथा के अलावा? कथा के द्वारा और विशेष को दूसरा कोई आयोजन नहीं है। भंडारा वगैरह? भंडारा रोज का भंडारा है, डेली का भंडारा है। ये भंडारा में सब लोग आके माँ भोग का ये का सेवन करें। आपका परिचय? मैं अशोक कुमार स्वामी हुडको में रहता हूँ। चार अप्रैल से प्रारंभ होने वाली श्री राम कथा का समय 5:30 बजे से 8:30 बजे तक किया गया है। गणेश मंडप दशहरा मैदान हुडको में इस भव्य आयोजन के लाख हजारों लोग साक्षी होंगे। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।